नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है 31 दिसंबर, साल का लास्ट डे। तो आज इस बार कुछ वैसा बहुत ही खास प्रोग्राम नहीं है, बस हम जा रहे हैं अभी हम लोग नीचे, जैसे अंकल आंटी लोग, और हम लोगों ने प्लान बनाया कि बस ऐसे ही केक 12 बजे रात में कट कर लेंगे और मिठाई वगैरह और खाना हमने, अंकल बोल रहे थे बाहर से, बट हमने बोला कि नहीं, घर में आंटी ने बोला कि मैं बना दूंगी, तो मैंने बोला कि हाँ घर का खाना ही ज़्यादा बेटर होता है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे और मैं आपको दिखाती हूँ खाने में क्या बनाई है आंटी। वैसे तो शायद छोले भटूरे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सिंपल ही किया क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और नीचे मैं आपको दिखाती हूँ सैंडी को, देखना आप लोग। ये रहा सैंडी, ये मुझे देखकर देखो मेरे पास आ रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? इधर देख, इधर देख, देख देख, हट जा, हट जा सैंडी, हट चला। खाने में यहाँ पे है छोले भटूरे और ये है सैलेड, ये मूली के है और यहाँ पे मूली के अचार हैं और यहाँ पे कुछ स्वीट है जो आंटी ने खुद बनाया है। और अभी हम पेट पूजा करेंगे। तो आंटी कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ बोलना चाहेंगे, रश्मि भी तो बहुत अच्छा बनाती है ना, इसमें पीछा थोड़ी है रश्मि, ऐसा पीछा थोड़ी रह जाएगी। नहीं लेकिन आपका अच्छा लगता है आंटी, सच्ची आप बहुत अच्छा बनाते। और यहाँ पे गोभी आलू भी है, गोभी है सिर्फ आंटी की, आलू भी है? गोभी आलू मटर, हाँ गोभी आलू मटर ये भी है। और यहाँ आंटी लगी हुई है, आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। कोई नहीं, वो भी क्रिस्पी लगेगा, मैं सोच रही फुले फुलेगी लोग। गाइस आपको मैं बता दूं, आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है और हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ मिलते रहता है खाने को। तो अगर आंटी ऐसे भी आती है घर पे, तो मेरे हस्बैंड अगर घर पे रहते हैं तो वो बोलते हैं आंटी कुछ खाने को लेकर आ रही है क्या, मतलब इतनी आदत हो गई है। और सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है आंटी। तो कैसा बना है खाना बोल के बता। बढ़िया माँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। और अंकल लोग अभी बाहर गए हैं, अंकल निहाल एंड विशाल, तीनों लोग, वो लोग आएंगे तो उन लोगों से भी मिलवाऊंगी मैं आपको। और अभी जा रही हूँ मैं खाने। तो यहाँ पे आप इनको देखो, विशाल ने अभी अपने लिए सनग्लास लाया और ये लगाकर बैठकर अभी खाना खा रहे हैं। ये मालक का खर्चा मत करो, मेरा चश्मा बनवा लिया 2300 रुपए का, बताओ ले भी वीडियो में आ गया। अच्छा ये वाला अभी जो लगा है कहाँ से लिया? ये लिया गाता है मेरा दिल मंजिल। बहुत अच्छे बढ़े और अगली साल हम इससे भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। नहीं नहीं, और ये कोविड चला जाए और ये जो बीमारी चल रही है कोविड वगैरह की, ये कभी ना आए हमारे देश में। भाई आप केक कह रहा खा लो, मुझे बहुत टाइम हो गया सुबह से अभी केक इंतजार कर रहे हैं इनको आप काटी है। तो केक कट करेंगे आंटी और चलो कट करो आंटी, आओ इधर आ जाइए ना सामने।
हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बर्थडे तो हमारा। ये पैसे उधर वहां रख दीजिएगा। भगवान जी का घर रखो। हाँ रख दीजिए। ले लीजिए। सबको मिलेगा। भगवान जी। गाइस, तो मैंने मॉर्निंग से कोई वीडियो नहीं लिया क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं थी मेरे हस्बैंड की, और उसके बाद लेट सो कर भी हम उठे और घर पे काम वगैरह, तो बस वही है नॉर्मल जो डेली यूज़ के काम थे बस वही। तो अभी हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए, जा रहे हैं कहीं बाहर। कहाँ जा रहे हैं? मिडवे कोई जगह है यहाँ पे, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं कि थोड़ा सा मेरठ से 50 किलोमीटर है, तो हम लोग ऐसे ही घर में बैठ के क्या करें, थोड़ा सा निकल गए बाहर घूमने के लिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, चेंज होगा थोड़ा। तो बस निकल गए हैं, मैं इधर, माँ है उधर, मेरे हस्बैंड हैं एंड निहाल। ये है हमारा डेस्टिनेशन मिडवे, मेरठ से एग्जैक्ट 50 किलोमीटर। और आज के दिन भीड़ देख लो आप, कितनी भीड़ है, गाड़ियां ही गाड़ियां। एक मिनट, कुछ बोलना चाहेंगे आप? तो यहाँ भी ऑर्डर हुआ है पापड़ी चाट, और ये है चाट वाली कली। ये है बॉटल से बना हुआ क्रिसमस ट्री,
क्रिसमस ट्री है ना। हाँ कहा देवड़ी ये है ना द्वार द्वार और बीच में वो नमस्ते है वो ऐसे ही है। मैं सोची आई है वो तो अभी था खाने का प्रोग्राम प्रोग्राम सुने खाना खाने के लिए तो हमने वेज है ना वेज वेज खा ली हमने Thank you.